तो रुक करते हैं बड़ी खबर का। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 21 से 29 नवंबर तक हिंदू जगाओ यात्रा निकाली जाएगी। उनका कहना है कि देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है, पहले कट्टर बनो, सब मंदिर अपने होंगे। कुंभ में दूसरे धर्म की लोगों की दुकान लगाने पर फिर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते, हमें जाने नहीं दिया जाता, तो फिर भला कुंभ में दूसरे धर्म के लोगों का क्या काम। हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है, दूसरे लगातार आबादी बढ़ा रहे हैं, रोहिंग्या भी बढ़ रहे हैं। आप इतने ही उदारवादी, गंगा जमुनी क्यों, मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जिन्हें राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए, वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे, और विदेशों में उनके रहने वाले इष्ट मित्र बांग्लादेश अगल बगल रोहिंग्या उनको बुला बुला करके भारतीय नागरिक बना करके वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। पहले हमें इस देश में कट्टर हिंदू बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है, इसके बाद में जितने भी सनातनी हिंदू मंदिर हैं वो तो अपने हैं ही ले लेंगे।